दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रैन फॉरेस्ट में से एक है। इतना बड़ा जंगल जो हमारी पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन यह जंगल अकेला प्रोड्यूस करता है। उसी के साथ इस ना खत्म होने वाले घने जंगल में कई ऐसे खतरनाक रहस्यमय क्रिएचर भी रहते हैं जिसके बारे में आज से पहले आपने ना सुना होगा ना ही देखा होगा। अमेज़न जंगल, जिसके कोख में ना जाने कितने ऐसे क्रिएचर छुपे हुए हैं जो आज भी पूरी दुनिया के साथ साथ वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। यहाँ पर लोगों को ऐसी ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो वाकई में खतरनाक है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं अमेज़न जंगल के 10 ऐसे भयावह जीव जिसे देख एक इंसान की रूह कांप जाएगी। इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन से हैं अमेज़न जंगल के खतरनाक क्रिएचर। नंबर 10, ग्रीन एनाकोंडा। इस प्राणी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एनाकोंडा कितना खतरनाक होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं जिसमें आप इसके सभी खतरनाक रूप देख सकते हो। एनाकोंडा एक तरह का विशालकाय सांप है जिसे आप सबने हॉलीवुड मूवीज में जरूर देखा होगा, जो कि अमेज़न जंगल पर ही आधारित फिल्म है। हालांकि वास्तव में अमेज़न जंगल में इतने बड़े सांप नहीं होते हैं। इस अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले सांपों की औसतन लंबाई 22 फीट होती है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि जिसके चुंगल में एक बार कोई इंसान या जानवर फंस गए तो उनका बचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। एनाकोंडा अपने शिकार को अपने गिरफ्त में लेकर फिर उसे धीरे धीरे मार डालता है। ये सांप अमेज़न जंगल या अमेज़न के नदियों में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। एनाकोंडा की आंख मगरमच्छ के जैसे उनके सर पर होती है, जिस वजह से ये पानी में छुपकर अपने शिकार पर नजर रखते हैं और मौका मिलने पर किसी भी जीव पर बिजली की रफ्तार से झपट पड़ते हैं। नंबर 9, बुल शार्क। सार्क का नाम लेते ही शायद आप ये सोच रहे होंगे कि सार्क तो समंदर में रहने वाली मछली है, तो ये फिर अमेज़न जंगल के नदी में क्या कर रही है। तो आपको बता दें कि बुल शार्क बाकी शार्क के प्रजाति से एकदम अलग होती है। ये शार्क खारे या सफेद पानी दोनों में जिंदा रह सकती है। इस विशालकाय मछली का साइज 11 फीट होता है और इनके शरीर का वजन करीब 300 किलोग्राम होता है। ये अमेज़न जंगल के सबसे खतरनाक शार्क में से एक है। ये एक ऐसी शार्क है जो इंसानों पर हमला करने के लिए काफी ज्यादा बदनाम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दुनिया की एक ऐसी शार्क है जिसे भूख लगने पर अपने ही प्रजाति के बच्चों को खा जाती है। इसीलिए बुल शार्क को दुनिया की सबसे खतरनाक शार्कों की श्रेणी में उच्च क्रम का दर्जा दिया गया है। ये शार्क आए दिन इंसानों पर किए गए हमलों की वजह से अक्सर चर्चे में रहती है। नंबर 8, बुलेट एंट्स। ज्यादातर हम लोग हाथी, शेर, चीता जैसे जानवर को खतरनाक मानते हैं, लेकिन अब हम जिस जीव का बात करने वाले वो दिखने में तो काफी छोटा है, वही इंसानों के लिए उतना ही खतरनाक है, जिसके काटने के बाद कहा जाता है, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मजाक से हटके, मानो इसके काटने के बाद किसी भी इंसान को एक गोली लगने जितना शरीर में दर्द होता है, और वो जीव एक चींटी है जिसे बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अमेज़न में पाई जाने वाली इस चींटी का डंक एक बिच्छू के डंक से भी ज्यादा दर्दनाक होता है, जिसका असर करीब 24 घंटे तक बना रहता है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां भी यह चींटी अपना घर बनाती है वहां से एक भयानक तरीके की बदबू आती है, जिस पर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर यह किस वजह से ऐसा होता है। नंबर 7, इलेक्ट्रिक ईल्स। दोस्तों, अमेज़न जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों की लिस्ट में मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प अमेज़न जंगल के नदियों में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल लगती है। इसके पीछे भी कारण है कि अगर आप कभी अमेज़न जंगल में घूमने जाते हैं तो सबसे पहले आप इस जानवर से दूर रहिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में भी अगर ये इलेक्ट्रिक ईल आपसे टच हो जाती है तो आपके शरीर को एक जोरदार बिजली का झटका लगेगा और शायद आप वहीं समाप्त हो जाए। अमेज़न रिवर के गहरे तल में पाए जाने वाले इस इलेक्ट्रिक ईल का साइज 2 से 3 मीटर होता है और वजन लगभग 20 किलोग्राम होता है। सांप के जैसा दिखाई देने वाला ये जीव नाइस फिश के फैमिली से बिलोंग करता है। इन पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट का मानना है कि यह एक बार में 600 वोल्ट का करंट मार सकती है, जो एक इंसान को मौत के मुंह में भेजने के लिए काफी होता है। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी मछली है जो शिकार करने या शिकार से बचने के लिए अपने शरीर से बिजली का इस्तेमाल करती है। इतनी खतरनाक बिजली जिसे अगर कहीं पर स्टोर कर दिया जाए तो उस बिजली से 10 घरों में रोशनी हो सकती है। नंबर 6, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अमेज़न जंगल में आपको हर तरह के खतरनाक जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि क्या एक इत्तू सा मेंढक भी खतरनाक जानवर हो सकता है? जी हाँ,
अमेजन फॉरेस्ट में रहने वाला ये रंग बिरंगे त्वचा वाले छोटे मेंढक, जो दिखने में तो काफी क्यूट लगते हैं, लेकिन उनके बॉडी में उतना ही खतरनाक टॉक्सिक रहता है जो एक साथ 10 इंसानों को मार सकता है। और यही वजह है जिसे इस मेंढक को पॉइजन डार्ट मेंढक कहा जाता है। अमेजन जंगल में यह मेंढक खुले आम घूमते हैं। इनकी रंग बिरंगी त्वचा जंगलों में छुपने में मदद करती है। इन्हें जानने वाले लोग इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं, क्योंकि 3 इंच के साइज वाला यह मेंढक अपना जहर गलती से भी किसी इंसान के अंदर छोड़ देता है तो उस इंसान का मिनटों में नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। आपको बता दें कि वहां के आदिवासी इस मेंढक के शरीर का जहर अपने तीर में लगाकर वहां के जानवरों का शिकार करते हैं। नंबर 5, वैम्पायर फिश। दोस्तों, नाम से ही यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी खतरनाक मछली होती होगी। इस मछली को पायरा भी कहते हैं। अमेजन जंगल में मौजूद यह मछली अपने जबड़े के नीचे 2 नुकीले लंबे दांतों की वजह से दुनिया भर में फेमस है, और इसी की वजह से इसे वैम्पायर फिश नाम दिया गया है। अमेजन रिवर की यह खतरनाक मछली 3 फीट लंबी और वजन में 20 किलोग्राम तक होती है। ये एक ऐसी मछली है जो पिराना जैसे खतरनाक मछली को अपना शिकार बनाती है। आपको बता दें कि पिराना वही मछली है जो इंसानों का शिकार करती है। नंबर 4, ब्लैक कैमन। दोस्तों, इस जीव को मगरमच्छ की दुनिया का राजा कहते हैं, जिसे हम लोग ब्लैक कैमन के नाम से जानते हैं। यह जीव काफी खतरनाक और मांसाहारी होता है। यह बाकी मगरमच्छों की तुलना में काफी बड़े होते हैं। इस जीव की मेल प्रजाति की लंबाई 7 से 14 फीट होती है, वहीं फीमेल प्रजाति की लंबाई 16 से 17 फीट होती है। और वहीं इनके वजन की बात करें तो ये मगरमच्छ 355 किलोग्राम तक होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मगरमच्छ स्तनधारी जीव होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, और यह इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार इस ब्लैक कैमन से एनाकोंडा जैसे सांप से लड़ाई हो जाती है, जिसमें यह मगरमच्छ उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांट देता है। नंबर 3, हार्पी ईगल। अमेजन जंगल में राक्षस कहे जाने वाले इस पक्षी को हार्पी ईगल के नाम से जाना जाता है। यह ईगल देखने में डरावना और काफी बड़ा है, जिसे सामने से देखने के बाद किसी भी इंसान के होश उड़ जाएंगे। इसे कई जगहों पर किंग ऑफ स्काई के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी माना जाता है। इसके पंख 7 से 10 फीट तक बड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से यह आसमान में दूर ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। यह आसमान में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। साथ ही इस भयावह पक्षी का वजन 11 किलोग्राम तक होता है। इनके पंजे की बात करें तो इनके पंजे भी काफी खतरनाक और बड़े होते हैं, जिनके सिर्फ नाखून का साइज 3 से 4 इंच तक होता है। इसके ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह एक बंदर को अपने पंजे में फंसाकर उड़ सकता है। यह आमतौर पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब गुस्सा दिलाने के बाद यह उन पर भी हमला कर सकता है। आपने हैरी पॉटर मूवी में इस पक्षी को जरूर देखा होगा, जो हार्पी पक्षी से इंस्पायर होकर इस फिल्म को बनाया गया था। नंबर 2, ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। अमेजन जंगल में रहने वाली यह मकड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी मानी जाती है। ये कोई आम मकड़ी नहीं है जो इंसानों के घरों में पाई जाए। ये खतरनाक मकड़ी बड़े से बड़े जानवर को अपने जहर से मौत दे सकती है। इसके हर बाइट से एक खतरनाक टॉक्सिक बाहर निकलता है, जो किसी भी जीव को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकती है। अमेजन जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों के लिस्ट में सबसे ऊपर आती है यह ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। नंबर 1, जैगुआर। अमेजन जंगल में राज करने वाला है। जैगुआर अमेजन जंगल के 87 स्पेसिस को अपना भोजन बना लेता है, जिसमें से हिरण से लेकर छोटे चूहे तक शामिल होते हैं। साथ ही इंसान का शिकार भी करते हैं अगर कोई इंसान अकेला मिल जाए। इसीलिए अमेजन जंगल में घूमने वाले पर्यटकों को एक खास तरह के सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। अमेजन रैन फॉरेस्ट में रहने वाला जैगुआर गहरे पानी के अंदर तैरना भी जानता है, जिसके कारण यह पानी के अंदर रहने वाले प्राणियों को भी नहीं छोड़ते। ये जैगुआर अमेजन जंगल के पश्चिमी छोर की तरफ रहते हैं। ये स्वभाव से काफी क्रूर और गुस्सैल होते हैं, लेकिन तेजी से दुनिया में खत्म हो रहे हैं। जंगल के साथ जैगुआर की भी संख्या घटती जा रही है, और इसी तरह जंगल खत्म होते गए तो एक दिन ये जानवर हमेशा के लिए इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। बोलिंग रिवर। अमेजन जंगल के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आप लोगों को बोनस टिप्स में एक खास बात बताने जा रहा हूं, जो आपको जानकर आश्चर्य होगा। अमेजन जंगल में मौजूद द्रिसाने टिम्पिस्का नदी, जिसे आमतौर पर लाबोम्बा के नाम से भी जाना जाता है, यह नदी कोई आम नदी नहीं है, क्योंकि इसमें मौजूद पानी पूरे साल 24 घंटे उबलता रहता है, जिसका औसत तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और कुछ जगहों पर तो इस पानी का 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
शायद यही कारण है कि इस नदी को बोलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। उबलते हुए पानी की लहरें। इस नदी की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर के आसपास है और इसकी चौड़ाई करीब 80 फीट है, जबकि इसकी गहराई लगभग 20 फीट के आसपास है। हालांकि यह नदी एक और इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, तो वही इस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी किसी मौत के दरवाजे से कम नहीं है। क्योंकि अगर गलती से भी कोई भी जीव इस नदी में गिर जाता है तो नदी के गर्म पानी में झुलसकर उनकी सिर्फ हड्डियां ही शेष रह जाती है, और कई लोग इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी मानते हैं। दोस्तों, इनमें से कौन सा जानवर खतरनाक होने के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।